सो है गाइस, गुड आफ्टरनून। आई नो कि काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ एंड सडनली ये वीडियो एक्चुअली मैं अभी शूट कर रहा हूँ। जस्ट आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो को। नभी टाइम हो रहा है, लगभग 1:30 बज रहे होंगे दोपहर के। ठीक है, अभी मैं ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ एंड सडनली ये वीडियो शूट करना इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है कि मैं पिछले 3 साढ़े 3 महीने से एक भी वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ अपने दोनों चैनल पे, ना तो मेन चैनल पे डाल रहा हूँ ना ये वाले चैनल पे जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं। तो किसी भी चैनल पे मैं अभी रेगुलर हूँ नहीं। बहुत बार सोचते हैं कि वीडियोस डालेंगे, वीडियोस बनाएंगे। मेरे पास एक पेंडिंग वीडियो भी है, अगर आप देखे हैं दिल्ली का ट्रेलर, तो उसका फुल वीडियो अभी एडिट नहीं हुआ है। तो उस पर भी काफ़ी टाइम से सोच रहे कि एडिट करेंगे। एक्चुअली जनवरी का शूट हुआ है बट अभी तक उसको डाले नहीं है, काफ़ी लेट हो चुका है। तो इस सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फंसे हुए कि डाले या ना डाले, मतलब थोड़ा सा फंसे हुए ये सारी चीज़ों पे। तो ये सारा चीज़ है एंड लाइफ में और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे थोड़ा सा फंसे हुए हैं। एक होता है कि एक टाइम के बाद आप थोड़ा सा समझ नहीं आता लाइफ को, थोड़ा सा मतलब क्या बोले उस चीज़ को, घर देखना होता है एंड अपना जॉब, अपने करियर, हर एक चीज़ों को आपको लेके चलना होता है। तो थोड़ा सा अप एंड डाउन एंड टाइम को लेके इशू हो जाता है। एक टाइम ऐसा था कि ये सारी चीज़ों के पीछे मैं काफ़ी भागता था, मतलब कि ब्लॉगिंग बोल लो या वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ों के पीछे काफ़ी पागल था। मतलब अपना अगर पढ़ाई छोड़ सकते थे, मतलब ऐसा था कि पढ़ाई को 1-2 घंटे गैप दे सकते थे, बट अगर कोई बोल दे कि चलो वीडियो बनाना है तो तुरंत निकल रहा, मतलब एक टाइम था ऐसा, आज भी है। बट मतलब एक होता है ना कि किसी भी चीज़ पे अगर आप थोड़ा सा गैप आ जाता है किसी भी चीज़ में, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को फिर से कंटिन्यू करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, काफ़ी टाइम से सोचते हैं करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं बट पता नहीं हो नहीं पाता मेरे से वो सारी चीज़ें। बहुत बार कर लेते हैं, अब सोचते हैं कि नहीं अब से कंटिन्यू रहेंगे जैसे कि स्टार्टिंग किए थे। ठीक है, मतलब अच्छा खासा रेगुलर रहे बट फिर से वही सारी चीज़ों को होने लगा। तो मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, देखो ये रो है, कोई इसमें इस वाले वीडियो पे कोई भी एडिट नहीं रहेगा, कोई कट नहीं रहेगा, जो है डायरेक्टली रहेगा। अगर आप अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे बातों को, तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग क्या बोलेंगे उस चीज को, लोग अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, अच्छी चीजों को पसंद, मतलब जो भी बोलो, बट मेरा ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं। मेरा जो भी फीलिंग है, जो हम कहना चाहते हैं, बस आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो जेन्युइनली दिल से थैंक यू है आपको। और मुझे इस टाइप के ऑडियंस चाहिए जो मेरे हर एक सिचुएशन को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि अगर हम अच्छे जगह दिखाए तभी वो देखे, बाकी अगर हम अपने लाइफ में अगर मेरे साथ कुछ हुआ है या फिर हम अपना पर्सनल चीज़ उसको शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट ना दिखाए। तो एक होता है मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए, फिर जेन्युइन लोग चाहिए जो मुझे देखे, जो मुझे समझे। हम आपके जो भी आपका रहेगा फीडबैक रहे या फिर आपका सजेस्ट रहे, रिक्वेस्ट है, हम आपकी चीज़ों को समझेंगे, आप मेरी चीज़ों को समझ, हम ऐसा कनेक्शन चाहते हैं। अब मतलब हम लोगों से, आपसे भी और मेरे से भी, हम इस टाइप का कनेक्शन चाहते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना ही है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, बस एक छोटा सा क्लिप अपलोड करना चाहते थे यूट्यूब पे कि अपना जो भी प्रॉब्लम बोल लो या फिर जो फील कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में वो बोल लो आप लोग, या रेगुलर नहीं हो पा रहे ये बोल लो आप, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, जो अभी हम फील कर रहे हैं ना इन वीडियो नहीं डालने के, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं भाई वीडियो नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से आप रेगुलर नहीं हो पा रहे, तो मतलब मेरे पास सवाल नहीं होता, मतलब उसके सॉरी सवाल नहीं, उसका आंसर नहीं होता मेरे पास कि हम इसका क्या आंसर दें उसको। ठीक है, बोल देते हाँ नहीं मिल रहा टाइम ऐसा, बट एक होता ना अंदर से, आप बोल तो देते हैं उसको बट एक अंदर से जो जवाब आना चाहिए, जो देना चाहिए, जो सवाल मतलब आंसर देना चाहिए, वो हम जेन्युइन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के पीछे मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। बस वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि एक जेन्युइन आपसे फीडबैक चाहिए, आपसे सलाह चाहिए, आपसे एडवाइस चाहिए कि यार मतलब लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है जो
नहीं कर पाते, किसी को आपको चाहिए होता है जो आपको एडवाइस दे, सजेस्ट करे। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, या फिर और चीज़ों के और लोगों से हम नहीं पूछ सकते थे, या फिर हम नहीं, हम खुद ही नहीं कर पाते, बट हम वो कनेक्शन चाहते हैं आप लोगों से। बस इतना ही मकसद है मेरा और वीडियो बनाने का, और काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे। तो और एक आपसे सजेशन चाहिए कि जो दिल्ली के मेरे वीडियो है उसको क्या हम डालें या ना डालें, क्योंकि काफ़ी टाइम का गैप हो चुका है इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी वो सारी चीज़ों पर फंसे हुए, अगर आप चाहते कि हाँ उस वीडियो को डालें, तो ये जैसे अपलोड हो गया उसके बाद वो फर्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा, एंड देन उसके बाद से हम कंटिन्यू, मतलब पूरी कोशिश रहेगा मेरा कि हम कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम दिल से चाहते कि हम आगे इस पे वीडियो बनाए, यूट्यूब पे काम करें और रेगुलर आपसे मिलते रहे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, थोड़ा सा एडवाइस देना था, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, एक वर्ड में अगर बात करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपसे, क्योंकि जॉब ये वो हर चीज़ों में थोड़ा सा फंस चुके इन द सेंस, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, माइंड नहीं काम कर रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो जस्ट थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन चाहिए। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन करना। मैं नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैं नहीं बोलूँगा, वीडियो को लाइक करो, बस इतना बोलूँगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, अभी तक देख रहे हैं या जितना भी देखें, प्लीज़ कमेंट करके जाना, वीडियो को ना शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट प्लीज़ यार वीडियो पर कमेंट करके जाना, बस यही बोलना था, अच्छा लगा।